दोस्तों नमस्ते, हम लोग पहुँचे नेतन शाह तहसील रिसोर्ट जिला वासिम और रात के करीबन 1:30 बज चुके हैं दोस्तों। बहुत ही भारी भरकम और ख़तरनाक सांप जो कि घर के अंदर है और यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं आदरणीय बुजुर्ग जी। आपका नाम बोलिए। शरद बाजड़। शरद बाजड़ जी है और जो यहाँ पर जो है कि लोगों को आटे की गिरनी चलाते हैं और बड़ी अच्छी खासी सेवा देते हैं। किसान हैं, काश्तकार है और बहुत सारे लोग और भीड़ जम चुके हैं। हम देखेंगे घर के अंदर जाकर, अंदर सांप छिपे हुए जो कि डर के मारे बिल्कुल इसमें ताला लगा था। और सर्प मित्र वनिता जी जो कि विश्व की प्रथम महिला सर्प रक्षक यहाँ पर दाखिल हो चुकी है दोस्तों। कुछ ही क्षणों में पाएंगे बहुत ही सुंदर सांप को। मैडम जी अंदर प्रवेशित हो रही है। बैटरी की नहीं, लाइट बैटरी की, बैटरी यहाँ पर है और बहुत भारी भरकम कोबरा है, एक नहीं दो है दोस्तों। और खास करके बहुत ही बढ़िया फन फैला के बैठे हुए हैं, खतरनाक एकदम। वाव, बड़ा सुंदर सा। नहीं, यहाँ पर तो एक ही नजर आ रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आने दो, आने दो, आने दो। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। नहीं नहीं, बोला बोला, हाँ उसको खींचना पड़ेगा उसको। आराम से अंदर घुसने की कोशिश थी नाक की, जो कि मैडम जी ने बड़ी हिम्मत के साथ उसको खींच ले है। कितना सुंदर आवाज और फन भी फैला रहा है, बहुत जबरदस्त। हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सांप की बहुत ही सुंदर फन और इतना डौल बना के बिल्कुल खतरनाक कोबरा है। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इस कोबरा घर के अंदर बहुत ही खतरा है और इतने जबरदस्त सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं सर मित्र वनिता जी जो कि रात के अंधेरे में भी। बहुत ही सुंदर। अब वो टार्च मुझे दीजिए आप प्लीज, वो टार्च मत लगाइए सांप के ऊपर। दोस्तों बहुत ही सुंदर सांप है और यशस्वी रूप से पकड़ा गया है। अभी दूसरे सांप को पकड़ने की भी कोशिश हो जाएगी। कहते हैं कि दो सांप है, ये तो कॉमन कोबरा है और गुलाबी रंग का है, गेवन कलर का, बहुत ही सुंदर। हम इसको प्लास्टिक जार में डालेंगे, वहां की प्लास्टिक जार लाइए। फन बहुत फैला रहा है, इसको मारा पीटा तो नहीं है ना, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। दोस्तों सर्प मित्र वनिता जिन्होंने बड़ी होशियारी के साथ इस सांप को यहाँ पर पकड़ लिया है, बहुत ही खासा भारी भरकम जो कि चित्र है हम लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ये जो है वासिम जिला है। वासिम जिला में पहली बार रात के अंधेरे में हम लोग देख सकते हैं कितना सुंदर फन फैलाया हुआ, बहुत ही अच्छा डोल बनाया हुआ सांप। आगे से स्पेक्टेकल कोबरा है। चलो अंदर जोड़ा छुपा है बोलते, बहुत ही तगड़ा भारी भरकम सांप है। देखो दोस्तों रात का अंधेरा है, सांप कितना सुंदर लेकिन बहुत ही जबरदस्त जहरीला। कैसा लग रहा है भैया? बहुत ही अच्छा अभी। बहुत अच्छा लग रहा है, डर निकल गया ना। दूसरे को भी ढूंढते हैं, अगर मिलता है तो पकड़ लेते हैं। वो कौन सा कोबरा है? ये कोबरा है और ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है, काट खाने के बाद बचने की संभावना बहुत कम रहती है और वैसे भी खुखार है, आक्रामक है। तो इसलिए मैंने पूछा ना पहले कि आप लोगों ने इसको कुछ किया तो नहीं है। आप लोग नहीं बोल रहे तो मैं विश्वास रखता हूँ। आप खोल दीजिए एक ढक्कन बरनी का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कितना सुंदर दृश्य। वाह,
अच्छी नहीं है, पैक वाली बोतल मिलेगी तो दे दो, ऐसे प्लास्टिक वाली फूटी हुई है। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य, वाह आक्रामक। बाहर आया तो बस काट खाने की नौबत। बहुत ही जबरदस्त है, तंदुरुस्त गुलाबी कलर का कोबरा है, जो कि अनाज की फैक्ट्री में एक आटे की गिरने में था, लेकिन वहाँ उसको चूहे खाने को नहीं मिले शायद। बड़ी कसरत करने को लगा रहा है, अंदर अंदर घुसने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा भी तो पकड़ना है। बहुत ही खूंखार दृश्य, मैडम जी की कोशिश उसको विशेष रूप से अंदर बढ़ने के, अंदर थोड़ा सा सांप जो है ना अंदर घुसने का तो नाम ही नहीं ले रहा भाई, बिल्कुल बाहर रिटर्न। कमाल है, क्या करें उसके लिए, एक कपड़ा दे दीजिए। नमस्कार मित्रांनो, आपण आहोत नेतन सगावला, तालुका रिसोड, जिल्हा वाशिम, आणि इथे फारच फार मोठा नाग आहे जो की आपण बघतो आहे, एक साधारणतः एक तृतीयांश उभा आहे आणि पूर्णपणे विषारी आहे मित्रांनो। याचं विष जे आहे मज्जा संस्थेवर दुष्परिणाम करतं, खूपच आक्रमक आहे। आणि आदरणीय शरद बाजळ यांच्या या पीठाच्या गिरणीमध्ये हा साप आहे, आपण आवाज ऐकूया जरा।